आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, फरीदाबाद से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कैदी फरार। जी हां, कई दिनों से अस्पताल में दाखिल था और ये फरार हो चुका है कैदी। निमका जेल में हत्या के आरोप में बंद था यह कैदी, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। पुलिस को चकमा देकर ये कैदी फरार हो गया। बड़ी खबर, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कैदी हुआ फरार। कई दिनों से अस्पताल में इसे भर्ती कराया हुआ था, निमका जेल में हत्या के आरोप में बंद था और पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया है। बड़ी खबर, फरीदाबाद से सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हुआ एक कैदी, ये बड़ी खबर आ रही है। कई दिनों से अस्पताल में दाखिल था और जानकारी मिल रही है कि ये कैदी अब फरार हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरार कैदी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर ये कैदी फरार हो गया है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कैदी ये फरार हो गया है, फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुकेश राजपूत संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, फिलहाल इस कैदी के बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ लग पाई है और ये कैसे कैदी फरार हुआ अस्पताल से इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच? देखिए जी, बिल्कुल, क्योंकि बड़ी हैरानी की बात है कि जो कैदी आपने जो है कहीं ना कहीं जो तबियत खराब होने के चलते अस्पताल में जिसे भर्ती बीते 6 तारीख को कराया था, तो वो जो कैदी है आज सुबह करीब 6 बजे जो है वो अस्पताल से फरार हो जाता है। और फरार भी अपराधी तब होता है कि उसके पैरों में भी दिक्कत जो है वो बताई जा रही थी। जो आरोपी था वो बैरी जो कहीं ना कहीं जो वॉकर होता है उसके जो है सहारे से जो है वो चल रहा था, और उसके चलते चलते ही कहीं ना कहीं पुलिस की, क्योंकि 5 मुलाजिम की भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई थी, तैनात 5 मुलाजिम किए गए थे ताकि जो है अपराधी के ऊपर नजर रखी जा सके। परंतु बावजूद इसके जो है अपराधी उन पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर जो है वो मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने काफी जो है खोजबीन जो है ढूंढा खकोरी भी जो है वो कहीं ना कहीं की जो है की थी। उसके बाद करीब 10 बजे के बाद जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया को इस बात की सूचना मिली कि जो आरोपी था वो यहाँ मौके से फरार हो गया, जो कि अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। वही आपको बता दें, जो आरोपी है अंजलि, उस पर जो है कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है, 302 और 386 के तहत जो है वो मामला दर्ज है। उसी के चक्कर में जो है वो निमका जेल में जो है वो सजा काट रहा था, और ऐसे में तबीयत खराब होने के चलते 6 तारीख को अस्पताल में लाया गया। और इसी जो कैदी वार्ड है, पुरुष कैदी वार्ड है, यहाँ से जो है वो व्यक्ति जो है वो जो आरोपी है वो फरार हुआ था। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है पुलिस के मुताबिक वो ये मिली है कि जो आरोपी था वो वॉकर के माध्यम से जो है वो इस गैलरी के अंदर जो है वो घूम रहा था, और पुलिस के जो मुलाजिम थे वो यहीं पर थे और अपने मोबाइल में जो है वो उनका पूरा ध्यान था। बस इसी का फायदा उठाते हुए जो आरोपी था वो कहीं ना कहीं मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले हैं, तो पता चला है कि अस्पताल के गेट के बाहर से एक ऑटो जो है वो आरोपी ने लिया है। हालांकि पुलिस ने जो है उस ऑटो का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं अभी जो है वो ले लिया है, और उसके बाद अब आगामी कार्रवाई में जो है वो पुलिस जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के आला अधिकारी भी इस पूरी सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे हैं और तमाम जांच जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो शुरू कर दी है। परंतु बड़ी लापरवाही की बात यह है कि 5 मुलाजिमों की मौजूदगी में आरोपी जो है वो जेल से जो अस्पताल से जो है वो भाग जाता, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। हालांकि अधिकारियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिन भी पुलिस वालों की लापरवाही के चलते आरोपी भागा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं जो है उन्हें सस्पेंड किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। परंतु कहीं ना कहीं बड़ा विषय यह है क्योंकि और भी अपराधी ऐसे आते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके की चूक कहीं ना कहीं पुलिस से हुई है ऐसे में और भी अपराधी को जो है वो भाग सकते हैं, तो बड़ी लापरवाही है। हालांकि अभी जो अधिकारी है इस लापरवाही को ढकने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुलाजिम थे यहां पर तैनात उन पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी मुकेश, बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी एक हत्या के केस में बंद, जेल में बंद एक कैदी वो अस्पताल से फरार हो जाता है और पुलिस जो है उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई है। अभी कितना समय हो गया है उसे फरार हुए, पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ इस बीच कहना है? देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि सुबह 6 बजे ये जो अपराधी है वो अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर जो है वो फरार हुआ था। अभी करीब जो है वो 12 बज चुके, करीब 6 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस की तमाम टीमें जो है वो आरोपी को ढूंढने में लग रही है, परंतु अभी तक जो है पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस के हाथ में सिर्फ अभी जो ऑटो है, जिस ऑटो में अस्पताल से गेट के बाहर से जो अपराधी जो बैठ के गया था सिर्फ उस ऑटो का नंबर है। फिलहाल उस ऑटो चालक की जो है वो तलाश की जा रही है, उससे पूछताछ की जाएगी
कि आरोपी को कहां छोड़ा था, उसके बाद क्या हुआ, वो तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस फिलहाल कर रही है। परंतु बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में आरोपी जब भाग जाता है तो ऐसे में बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं ये देखी जा रही है पुलिस की तरफ से। हालांकि अभी क्राइम ब्रांच की टीम की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें, तो तमाम जो टीमें हैं वो आरोपी की खोज में जो है वो जुट गई हैं, और ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को जो है वो फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परंतु देखने वाली बात ये है क्योंकि अभी तक पुलिस के 6 घंटे बीत जाने के बावजूद, हालांकि अंजलि एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के करीब 10 बजे यानी कि 4 घंटे तक पुलिस ने गुप्त तरीके से आरोपी की जो है वो तलाश शुरू कर दी थी। 6 बजे जैसे जो है पुलिस के आलाधिकारियों को पता चला कि आरोपी अस्पताल से फरार हो गया है, उसके बाद गुप्त तरीके से जो है पुलिस ने जो है वो कहीं ना कहीं आरोपी की जो है वो छानबीन शुरू कर दी है। परंतु 10 बजे जैसे ही मीडिया को जब पता चला था, उसके बाद पुलिस के आलाधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं इस पर अब जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है पुलिस के आलाधिकारी की तरफ से कि जो भी पुलिसकर्मी है जिनकी लापरवाही की वजह से आरोपी भागा है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी अंजलि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए।